आज की इस वीडियो में हम आपके साथ नया आने वाला पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल मोहब्बत की आखिरी कहानी के मुकम्मल कास्ट की असल जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें शेयर करेंगे। इस ड्रामे की मेन कास्ट में शामिल हैं अलीजे शाह, शजील शौकत, शहजाद शेख और समी खान। अगर आपका फेवरेट एक्टर इनमें शामिल है तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर मेंशन करें। मोहब्बत की आखिरी कहानी के अदाकारों की असल जिंदगी की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं हदीका कियानी की। हदीका कियानी पाकिस्तान की एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक गुलकार और सॉन्ग राइटर भी हैं। ये अदाकारा 11 अगस्त 1972 को रावलपिंडी में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र 49 साल हो चुकी है। इन्होंने 2005 में सैयद फरीद सरवरी से शादी की थी जो कि 2008 तक ही चली। हदीका कियानी के वालिद का नाम है खावर कियानी और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम इन्होंने नादे अली रखा है। अगर इनकी बहन भाइयों की बात की जाए तो इनकी बहन का नाम साशा कियानी और इनके भाई का नाम अरफान कियानी है। इनके बेहतरीन सॉन्ग्स में शामिल हैं बूहे बारियां, होना था प्यार, कमली और जाने इस दिल के अलावा बेतहाशा सॉन्ग ये लिख चुकी हैं। और आप लोगों में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि ये अब तक 30 पाकिस्तानी सॉन्ग लिख चुकी हैं। इनके सॉन्ग्स में से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं शजील शौकत की। शजील शौकत एक अदाकारा होने के साथ साथ एक मॉडल और बेहतरीन डांसर भी हैं। ये 24 मई 1997 को पैदा हुई और इस वक्त 25 बरस की हो चुकी हैं। इनकी हाइट 5 फीट 3 इंचेस है और इनका वेट 57 kg है। अगर बात इनकी एजुकेशन की जाए तो ये एक फैशन डिजाइनर हैं। इसके अलावा शजील शौकत एक बेहतरीन सोशल मीडिया होल्डर भी हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी फैमिली की, तो ये एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं और इनके वालिद बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन हैं और इनकी वालिदा एक हाउसवाइफ हैं और इनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम फहीमा यूसुफ है। इनकी अभी तक शादी नहीं हुई और ये सिंगल हैं। इन्होंने अपने शोबिज करियर का आगाज 2018 में किया था। अगर इनके ड्रामा सीरियल्स की बात की जाए तो शजील शौकत अब तक 3 ड्रामास में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखा चुकी हैं, जिनके नाम है पाकीजा फुफो, मेरी मशल और बेनाम। और अब ये अलीजे शाह के साथ ड्रामा सीरियल मोहब्बत की आखिरी कहानी में भी अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखा रही हैं और इस ड्रामे का पहला टीजर रिलीज हो चुका है जो कि यकीनन आप लोग देख चुके होंगे। और अगर अभी तक नहीं देखा तो अभी जाकर देखें, क्योंकि इस टीजर से लग रहा है कि ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं असरार की। पाकिस्तान के बेहतरीन सॉन्ग राइटर और गुलकार हैं। असरार 20 अप्रैल 1985 को कुतली में पैदा हुए और इस वक्त इनकी उम्र 37 साल हो चुकी है। अगर इनके एल्बम्स की बात की जाए तो उनमें शामिल हैं कोक स्टूडियो सीजन 7, पख्तूम, पंजाब नहीं जाऊंगी के साथ साथ दीगर एल्बम्स शामिल हैं। और अगर गुलकार असरार के गानों की बात की जाए तो ये अब तक तो इनके गानों के नाम हैं अफगान जलेबी, फरीजाद, मस्त हवा, मुर्शद के साथ साथ बेहतरीन गाने शामिल हैं। गुलकार असरार अब तक काफी मूवीज में भी काम कर चुके हैं और इनकी बेहतरीन मूवीज के नाम हैं पख्तूम, रंगरेजा, रोंग नंबर, एक्टर इन लॉ के साथ साथ दिगर मूवीज शामिल हैं। चौथे नंबर पर बात करते हैं अदाकार समी खान की। समी खान की डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। समी खान पाकिस्तान के मोस्ट हैंडसम और टैलेंटेड अदाकार और मॉडल हैं, पर ये अपनी बेहतरीन अदाकारी से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में फैंस रखते हैं। अदाकार समी 6 जुलाई 1980 को लाहौर में पैदा हुए और इस वक्त 42 बरस के हो चुके हैं। इन्होंने 2009 में शानसे खान से शादी की थी। अगर बात इनकी एजुकेशन की जाए तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से अपनी स्टडी कम्प्लीट की है। इनके भाई का नाम तैफूर खान है और इनका एक बेबी भी है। समी खान के बेहतरीन टीवी शोज में शामिल है प्यार दीवानगी है, मोहलत, दिल जार जार, मोहब्बत दाग की सूरत के साथ साथ दिगर ड्रामास शामिल हैं और इनकी मूवीज के नाम है रोंग नंबर 2, काफ कंगना, गुम के साथ साथ दिगर मूवीज शामिल हैं। आप लोगों में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि समी खान अब तक 50 ड्रामास और 10 मूवीज में काम कर चुके हैं और इस वक्त समी खान ड्रामा सीरियल मोहब्बत की आखिरी कहानी में एक विलन होने का किरदार प्ले कर रहे हैं और इनकी इस ड्रामे में एक नई लुक ही दिखाई जा रही है। आप लोगों को भी समी खान पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इनके बाद बात करते हैं एक और बेहतरीन मोस्ट हैंडसम और टैलेंटेड अदाकार शहजाद शेख की। शहजाद 15 अक्टूबर 1985 को कराची में पैदा हुए और इस वक्त 36 साल के हो चुके हैं। इन्होंने 2012 में हिना मीर से शादी की थी और ये अपनी मैरिड लाइफ बहुत खुशगवार तरीके से गुजार रहे हैं। इनके वालिद का नाम जवेद शेख और इनकी वालिदा का नाम जीनत है। ये मशहूर और खूबसूरत अदाकारा मोमल शेख के भाई
आई हैं। इनके बेहतरीन टीवी शोज और मूवीज में शामिल हैं राजे उल्फत, इब्ने हवा, कुर्बान, रोक सकत और रोक लो, कराची से लाहौर, मैं हूँ शाहिद और वजूद के साथ साथ दिगर ड्रामाज और मूवीज शामिल हैं। और इस वक्त ये ड्रामा सीरियल मोहब्बत की आखिरी कहानी में एक हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं। सेकंड लास्ट पर बात करते हैं खूबसूरत और चुलबुली अदाकारा अलीजे शाह की, जो कि ड्रामा सीरियल मोहब्बत की आखिरी कहानी में लीड रोल प्ले कर रही हैं। अलीजे शाह 9 जून 2000 में कराची में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र 22 साल हो चुकी है। इन्होंने अपने करियर का आगाज 2016 में किया और इतनी सी उम्र में ये अपने करियर की शोहरत की बुलंदियों को छू रही हैं और काफी ज्यादा ड्रामास में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखा चुकी हैं और अपनी बेहतरीन अदाकारी से हम अवार्ड्स भी अपने नाम करवा चुकी हैं। इनके पार्टनर का नाम है नुमान सैमी और ये अब तक 2 मूवीज में भी काम कर चुकी हैं, जिनके नाम है सुपरस्टार और ये प्यार जिंदगी है। अगर इनके बेहतरीन टीवी शोज की बात की जाए तो उनमें शामिल है अहदे वफा, मेरा दिल मेरा दुश्मन, ताना बाना, बेबसी के साथ साथ दिगर ड्रामास शामिल है। लास्ट पर बात करते हैं जफर मिराज की, जो की पाकिस्तान के एक बेहतरीन राइटर है और काफी ज्यादा ड्रामास और मूवीज लिख चुके हैं। जफर मिराज 11 अक्टूबर 1968 को नुश्के में पैदा हुए और इस वक्त इनकी उम्र 53 बरस हो चुकी है। इनके शोज में शामिल हैं इनकार, मुकाबिल, दम पुख्त। जफर मिराज एक वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और ये अब तक बेस्ट टीवी राइटर होने की वजह से लक्स स्टाइल अवार्ड भी अपने नाम करवा चुके हैं। इनकी बेहतरीन मूवीज में शामिल हैं मुराद, महनूर और मेहरुन निसा। आप लोगों को ड्रामा सीरियल मोहब्बत की आखिरी कहानी के अदाकारों की असल जिंदगी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।